तो इस वीडियो में बात करने वाले इरेडा की, जिसका हाल ही में रिजल्ट आया बड़ा जबरदस्त, जिसने प्रॉफिट इंक्रीमेंट किया है 67% का, ईपीएस बढ़ी है 57% की। मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी की खुद की वेबसाइट कह रही है, जहां पे कंपनी ने बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स पोस्ट किए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 67% से, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है 44% से, जो लोन बुक है वो बढ़ी है 33% से, नेटवर्थ कंपनी की बढ़ी है 45% से, एनपीएस घटे हैं, ग्रॉस एनपीएस भी घटे हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़ी है 57% से। तो ये वो फंडामेंटल्स हैं जिसकी हमें तलाश होती है। और कंपनी का भाव, कंपनी कमाल चल कर रही है। ये कंपनी जब आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद से रुकी नहीं है। मुझे, मैंने उस टाइम भी कहा था, 60 रुपये के आसपास में ये शेयर मिल रहा है, ये फोकट के भाव में मिल रहा है। मैंने कब कहा था, आप बोलेंगे सर जी हाँ, लोग कहेंगे सर वीडियो बनने, शेयर बढ़ने के बाद वीडियो बनाते हैं ना, जी हाँ आप कह सकते हो। चैनल के ऊपर जाके देखो, खाली लिखो इरेडा। अब चैनल कहाँ से मिलेगा, चैनल का नाम है रियल स्कैल्पर विपुल। 16,700 सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी दया से बहुत भाग रहे हैं, बहुत प्यार आपका मिल रहा है। ये एक महीने पहले वीडियो बना के दी थी मैंने, एक महीने पहले दूसरी वीडियो बना रहा हूं। अब समझ लीजिए कि एक महीने पहले का भाव क्या था। मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं, और एक महीने पहले इसका भाव था 60 रुपये। 60 रुपये का भाव एक महीने पहले था, 60 का माल 140 हो गया। हर वो शेयर जो बॉटम पे होगा वो आपको ला के देने की कोशिश करूंगा, लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है। अब मंथली चार्ट पे थोड़ा एनालिसिस करना मुश्किल है क्योंकि बुर्ज खलीफा मूवमेंट्स हैं। वीकली चार्ट के ऊपर भी खास इसका एनालिसिस मुझे समझ में आता नहीं है, तो डेली चार्ट के ऊपर इसको ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे ये स्टॉक ने 60 रुपये के बढ़ने के बाद में एक अच्छा खासा हर्डल दिया था 90 से 100 रुपये के बीच में, तो 90 से 100 का एक हर्डल क्रॉस हुआ। उसके बाद एज पर फिबोनाची 110 रुपीज के आसपास का एक हर्डल था, उसके बाद 123, 140, इसने सारे पड़ाव पार किए। 140 के ऊपर निकला है, 149 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 148.85 की ये इसकी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बन जाता है, दिस बिकम्स अ स्टॉप लॉस। सिंपल, जिसको इरेडा अभी भी खरीदना है उसका स्टॉप लॉस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसको कंसोलिडेशन करना है, बाय ऑन डिप्स करना है, वो कुछ यहाँ ले, कुछ 123 पे ले, 100 आए तो जैकपॉट। मेरे हिसाब से ये भाव नहीं आएगा, कोई करेक्शन हो जाए तो बात अलग है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक ने बस अभी चलना ही स्टार्ट किया। दिस इज दी हायर हाई हायर लो पैटर्न। हो सकता है कुछ करेक्शन यहां से आए, कुछ करेक्शन यहां से आए, हो सकता है स्टॉक इस तरह से जाए, कुछ भी हो सकता है। बट आपको स्टॉक को ट्रैक करेंगे, वॉच लिस्ट में होगा, छोटा मोटा लेंगे, तभी तो आप कुछ कर सकते हैं। आप इसे मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको 150 पे शेयर खरीदना है, आप यहाँ 25 रुपये लगा सकते हैं 100 में से, है ना, 140 या 120 के आसपास जो नेक्स्ट हर्डल 120 या 140 से बहुत पास हो जाएगा, 123 के आसपास। सपोज 123 रुपये आता है तो 123 पे आप 25 रुपये लगा सकते हैं या 50 रुपये लगा सकते हैं, जो आपका मन करे, है ना। 25 से 50 आप यहाँ लगा सकते हैं, 25, 30, 50 जो आपका मन करे। फिर बचाओ माल आप सोच सकते हैं 110 के आसपास कभी जैकपॉट हुआ तो यहाँ ले लेंगे, यहाँ 25, 30 रुपये यहाँ लगा लेंगे, है ना भैया, 25, 50 रुपये जो आपके पास बचेंगे वो यहाँ लगाते हैं। पोजिशन साइजिंग कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए। आप स्टॉक में निवेश नहीं कर रहे, आप बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। आप इरेडा को खरीदने का मतलब पता है क्या है, कोई भी शेयर खरीदने का मतलब क्या है, आप उसके शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर हैं, आप उस बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। आपके डैडी ने कहा कि भाई आप बिजनेस करके दिखा, आप एमबी करके आए हो, डैडी से आपने 20 लाख रुपये मांग लिया, अरे 20 लाख रुपये इरेडा को दे दो ना, 20 लाख रिलायंस को दे दो, 20 लाख आईओसी को दे दो, 20 लाख किसी को दे, किसी एक ऐसी कंपनी को अपने पैसे दो जो कंपनी बिजनेस कर रही हो, वो ग्रो करेगी, डिविडेंड भी देगी, प्रॉफिट करेगी तो डिविडेंड भी पे करेगी, मन होगा तो डिविडेंड देगी, डिविडेंड देना कोई कंपलसरी नहीं है ना। तो भाव बढ़ेगा, भाव का एप्रिसिएशन होगा। जरूरी नहीं है कि 20 लाख रुपए का जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो चल ही जाए, और 20 लाख के बिजनेस में रिटर्न्स क्या निकालेंगे। शेयर बाजार दुनिया का सबसे शानदार धंधा है, सबसे शानदार, इसमें आप निवेश कर सकते हैं, इसमें आप ट्रेनर ट्रेडर सब कुछ बन सकते हैं। तो शेयर बाजार से बढ़िया मुझे तो धंधा लगता नहीं। देखो ना, हम इन्वेस्टमेंट से भी कमा रहे हैं, ट्रेडिंग से भी कमा रहे हैं, ट्रेनिंग देके भी कमा रहे हैं, है ना, कुछ अच्छे ट्रेनर से कुछ खराब ट्रेनर, वो आपको चूज कर रहे हैं, तो ये धंधा बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, किसी भाव पे अच्छा है, बंपर प्रॉफिट्स कंपनी कर रही है, लोन बुक बढ़ सकती है, तो अपनी वॉचेस में डाल के रखिए। आपको खरीदना कि नहीं खरीदना ये आपकी मर्जी है, मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ना ही किसी तरह की टिप समझी जाए। इस चैनल में ग्रोथ की बहुत जरूरत है, अगर आपको भी मेरे कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज जाने से पहले, वीडियो छोड़ने से पहले एक लाइक प्रेस कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो का जो टारगेट है वो कम से कम 5,000 लाइक्स 5,000 कमेंट्स का है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स मुझे चाहिए ताकि ये वीडियो अच्छे लोगों के पास, अच्छे इन्वेस्टर्स के पास पहुंच सके, जिनको अच्छी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिनको अच्छी रीडिंग की जरूरत है, सलाह और टिप्स की जरूरत नहीं, जिनको एजुकेशन चाहिए। यू स्टे इन्वेस्टेड, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।